एनआईए वालों वकीलों ते रेड करन दा मामला है। अज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच इस मुतलक सुनवाई होगी। एनआईए दे वालों कोर्ट दे विच जवाब भी दाखिल किया जा सकता है। दस दईए कि एनआईए ने एडवोकेट शैली शर्मा के घर से छापेमारी की सी। एनआईए दे वल्लों वकीलां ते रेड करन दे मामले मुतलक पंजाब ते एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुनवाई होवेगी। शैली शर्मा जो कि जग्गू भगवानपुरिया दे वकील ने, उन्हां दे घर दे विच छापेमारी की गई सी। उन्हां दे मोबाइल फोन तक जब्त कर ले गए सन। इस खबर से वधेरी जानकारी दे लई साडे पत्रकार अंकुश कोहली साडे नाल जुड़ चुके ने। जी अंकुश, हुण तक दी की जानकारी निकल के सामने आई? बिल्कुल दसती है कि बीते समय जिस तरह वकील शैली शर्मा के घर जरा है एनआईए वालों रेड की गई थी, और क्योंकि वो काफी गैंगस्टर्स जरा केस लड़ रहे हैं जिन्हें जग्गू भगवानपुरिया भी कह रहा है। तो रेड तो बाद दो मोबाइल फोन उन्होंने जब्त करके एनआईए नाल लै गए थे, जिस तो बाद बार कौंसल ने ते बार एसोसिएशन ने काफी विरोध भी जताया। काफी समय वर्क भी सस्पेंड जरा है तमाम अदालतों च वकीलों वालों रखा गया। लेकिन दस दिए कि उस तो बाद हुण एक पटीशन जिहड़ी है याचिका एक पई हैगी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। अरविंद सेठ नाम के वकील है जिन्होंने याचिका पाई हैगी है कि एनआईए रेड जो कोई वकील शैली शर्मा के घर बिल्कुल नजायज सी, गलत तरीके रेड की गई है, इसको लेके याचिका पाई है जिसकी अज जी है सुनवाई होनी है। और लेकिन इतने एक गल होर असी जिहड़ा क्लीयर करना चाहांगे कि जिहड़े एडवोकेट शैली शर्मा हैगे ने उन्होंने इस पटीशन च पार्टी नहीं बनाया गया। उन्होंने भी साड़ी गलबात हो रही थी, वो कहते न्याय सुच पार्टी नहीं है। ये अपने तौर पर वकील अरविंद सेठ है, उन्होंने याचिका पाई है जिसको लैके आज सुनवाई होनी। जी, जानकारी दे लई बहुत बहुत धन्यवाद।